दोहरा आज्ञा पई अकाल की, तभी चलायो पंथ सब सीखन को हुकम है। सीखन नहीं सीखन ते आ सारे ऊपर सारा सारे नु पता ही है ना भी आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ। ये महाराज दे जेड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज वेले होए जेड़े अपने महाराज दी डायरी लिखदे सी जेड़े भाई हर सिंह जी उन्हां दी डायरी दे विचों ये बचन ने ते उत्थे तभी पाठ ही साल दे विच संपर्दा विच करवाया पढ़े पढ़ाया जांदा तभी चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानिए प्रगट गुरां की देह। गुरु ग्रंथ जी मानिए, हाँ ठीक है जी। गुरु ग्रंथ जी मानिए प्रगट गुरां की देह, प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ को मिल जो नहीं नहीं मिलियो चाहे ये इतने जन के जड़ा बोलन ते ते चाहूँगा मम्मे से आ रही लल्ले से आ रही उड़े होड़ा। ठीक है जी। जो प्रभ को मिलियो चाहे खोज शब्द में लेह, राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। शरण हाँ शरण क्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। हे दीन दयाल करण कारण पतित पावन भगत वछल करुणा निदान अंतर जामी सतगुरु नानक देव जी महाराज, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, अकाल पुरख वाहे गुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह आप जी दे हजूर नितनेम संथ्या दी संपूर्णता दे भोग पाए गए हैं। आखर लग तुक वादा काटा भुल चुप करनी सरबत दे कारज रास करने, सिख पढ़ते सुनते सरबत लाहेवंद होन, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी है बोले सो निहाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी का खालसा।